हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आकाश टॉक। सो आफ्टर लास्ट मिनट सजेशन वीडियो, तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट किए थे कि भैया हाउ टू स्कोर 60 आउट ऑफ 60 फ्रॉम सेक्शन बी या फिर पार्ट बी। भैया हमको ना हर एक प्रोग्राम उतना अच्छे से नहीं आता है, ठीक है। एंड भैया प्रोग्राम के आना जो कोड होता है यार, कोड हम अच्छे से कोड को ब्लीड नहीं कर पाते, राइट, मतलब लिख नहीं पाते, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो यार इतने साल के एक्सपीरियंस के अनुसार जितना चीज बोलने वाले हैं अगर तुम फॉलो करते हो सही, तो आई कैन एश्योर यू, आई एम नॉट एश्योरिंग यू, आई एम गारंटी यू, ठीक है। अगर मान लो कि यार एक भी प्रोग्राम तुम नहीं लिख पाते हो, तीन बनाए हो एक नहीं बना पाते हो, फिर भी यार तुमको मिनिमम 55 मिलने वाला है आउट ऑफ 60। मैं इतना बड़ा वादा कर रहा हूँ, कैसे यार भैया कैसे, राइट कैसे। अच्छा एक सिंपल सा लॉजिक देखो, ठीक है यार। लास्ट मिनट सजेशन जो लोग देखे हो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखे हो चैनल के अंदर जाकर अभी के अभी देख लेना, ठीक है यार। अच्छा भैया प्रोग्राम आता है सेक्शन बी में फिर पार्ट बी में, हमको कोई चार बनानी है, क्या हम एक्स्ट्रा बना सकते हैं? यार मैं बोलूंगा पहले यार जो दिया है वो बना। प्रोग्राम के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना कि हमको तीन चीज ठीक रखना है, ठीक है। पहला बात है कि कोडिंग, जो हमारे प्रोग्राम का मेन चीज है, ठीक है। कोडिंग ठीक कर लेता, अगर तुम कोडिंग ठीक कर ली, ठीक है, अगर तुम सिंटैक्स गलत किए हो तो सिंटैक्स के लिए नंबर कटता है, ठीक है। एंड थर्ड क्या है, कमेंट्स। बहुत बच्चे मैंने देखा है प्रोग्राम भी सही करते हैं, कोड भी सही रन करता है, सही लिख सकता है, बट ये कमेंट सीआईसी काउंसिल चेक करता है। एंड तुमको एटलीस्ट 3 से 4 कमेंट देना है यार, सिंगल लाइन या फिर मल्टी लाइन। अगर तुम कमेंट्स नहीं देते हो यार अपने प्रोग्राम के कोड के अंदर, ऑन दैट केस 1 मार्क्स कट सकता है या फिर 2 मार्क्स तुम्हारा, चाहे तुम्हारा प्रोग्राम सही भी है, ठीक है। ये सीआईसी का रूल है, एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। या फिर मैं जो जिस सर के साथ मैं पॉडकास्ट किया था, जो सीआईसी काउंसिल का ऑफिशियल टीचर है, जो पेपर सेटर है, पेपर चेक करते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट है यार वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर 3 से 5 मार्क्स रहता है हमारे आईसीसी के अंदर, एम आई राइट और एम आई राइट, ठीक है। तो ये चार चीज तुमको सही करना है, अगर तुम ये सही करके आते हो तो तुमको यार तुम 60 out of 60 इजिली उठा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो भैया ये तो हम समझ में आ गया, तो हमको अभी बोलिए करना क्या होता है, मतलब कौन सा प्रोग्राम हम पकड़ेंगे, ठीक है। हमको ये भैया ये मार्क्स चाहिए, हमको भैया ये मार्क्स चाहिए, ठीक है, हमको 60 out of 60 चाहिए। तो मैं तुमको यार गारंटी करने वाला हूँ थ्रू दिस वीडियो कि हाँ यार तुमको 60 out of 60 मिलने वाला है। अच्छा एक टाइम सुनो, अभी यार बजे यार रात 1 बजे, ठीक है। मेरे इधर बहुत थंडरस्टॉर्म हुआ है, मेरे घर में यार नेट नहीं है, बिजली आ गया, इसलिए मैं शूट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तुम देख सकते हो यार लाइटिंग वाइटिंग, ठीक है, बट नेट नहीं है, तो पता नहीं यार कब मैं वीडियो अपलोड कर पाऊंगा। ट्राई करूंगा कल सुबह के अंदर अपलोड कर देना, ठीक है, अगर नेट आ जाता है तो, ठीक है, कोई नहीं यार, चलो। अच्छा अभी बात करते हैं कि भैया क्या क्या प्रोग्राम हमारे लिए पकड़ना इजी होगा। यार देखो मैं बोलूंगा अगर तुम एरे कर पा रहे हो वेरी गुड, तब तक कोई चिंता नहीं है। मैं देखा बहुत सारे बच्चे का एरे में प्रॉब्लम होता है, ठीक है यार, बहुत सारे बच्चे का एरेज में या फिर एरे में दिक्कत होता है, राइट। सर मैं तुमको 2 बातें बोलूंगा। पहला बात यार देख लो, ठीक है, जो 3 नंबर है हमारा नेम गिवन टाइप प्रोग्राम, इसको पकड़ लो। इफ यू आर होल्डिंग दिस वन देन यू, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। मैं लाइव क्लास के अंदर करा दूंगा, अगर तुम इस कोर्स के अंदर हो आईसीसी कंप्यूटर, ठीक है, मैं उसके अंदर दिखा दूंगा, या फिर यार छोड़ दो मैं तुमको नॉर्मल भी दिखा दूंगा, ठीक है। इसके अंदर तुम अगर जा सकते हो अच्छा, इसके अंदर 50 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स दिया गया है, 50 PQIs के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी है, अगर कुछ कर पा रहे हो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर पा रहे हो 40 rupees का 2 टेस्ट सीरीज है, ठीक है, मतलब एक ही टेस्ट सीरीज है, 2 टेस्ट है, इसको एक बार देते हुए जाना, बिकॉज सिर्फ 40 का है मेरे भाई, देते हुए कल बोर्ड्स के अंदर जाना, ठीक है। अच्छा तो हम बात कर रहे हैं यार, अगर हम ये वाला प्रोग्राम करते हैं तो ये वाला बहुत इजी है, सिर्फ इसके अंदर हमको सिर्फ जो दिया गया वो लिखना है, लास्ट में कुछ कैलकुलेशन हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल बेस्ड या फिर सैलरी बेस्ड या फिर ईटीसी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम ये वाला कर सकते तो हम ये वाला, इसको 50 out of 50 हम ये वाले प्रोग्राम में एश्योर कर सकते हैं बहुत इजीली, एम आई राइट और एम आई राइट, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम आ रहे हैं स्ट्रिंग टाइप में, ठीक है भैया, स्ट्रिंग तो हम करके रखे हैं, भैया क्या क्या टाइप ऑफ प्रोग्राम आता है देख लो एक बार, स्ट्रिंग टाइप आएगा, ठीक है। अच्छा नंबर का 1 या फिर 2 हो सकते हैं, राइट, पैटर्न का 1 होगा, ओवरलोडिंग का 1 होगा, मेनू ड्रिवन 1 होगा, ठीक है, ये एरे का भी 1 होगा। हम पकड़ रहे हो तुम एरे छोड़ रहे हो, हम पकड़ रहे हो जो कर सकता है बहुत बढ़िया, अगर तुम एरे छोड़ रहे हो तो तुम्हारे हाथ में कितना ऑप्शन है, अगर तुम एरे कर पा रहे हो तुम्हारे हाथ में 6 ऑप्शन है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा देखो यार एक बात सुनो, ठीक है, स्ट्रिंग का प्रोग्राम के अंदर क्या आएगा, आइदर रिवर्स आ सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐड देगा, कोई स्ट्रिंग को ऐड करनी है, कोई वावल को चेकआउट करके निकालनी है, या फिर कॉन्कैट करनी है, या फिर और 2-3 टाइप आते हैं। अगर तुम चाहते हो कि भैया आप एक एक प्रोग्राम के टाइप के ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो मैं वो भी बनाने के लिए राजी हूँ, या फिर आप लाइफ लीजिए, ठीक है, लाइफ अगर पता नहीं अब तो यार नेट नहीं है, लाइफ कैसे लेंगे पता नहीं यार, ठीक है, बट मैं तुम्हारे लिए वीडियोज बना सकता हूँ, डोंट वरी, ठीक है,
बोल दे, मैं समझा दूंगा, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको, राइट? समझ में आ रहा है ना? इसको एक बार ट्राई आउट कर लो भाई, बहुत इजी है, ठीक है? हम लोग 800 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए चार्ज करें यार, मैं सिर्फ ओनली 149 चार्ज करो, ठीक है यार? सब ले लेना, सब लोग लेना यार, इजी है, ठीक है? अच्छा अभी देखो यार, हमने तो फिर ये वाला कंफर्म कर लिया, हमने ये वाला भी यार कंफर्म कर लिया, ठीक है? तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा यार दो प्रोग्राम कंफर्म कर लिए, ये वाला एंड ये वाला, राइट? एम आई राइट? अच्छा भैया, और एक इजी प्रोग्राम होता है जो हम कर सकते हैं यार, मैं बोलूंगा नंबर टाइप कर लो, ठीक है? जो कि मेनू ड्रिवन हो सकता है या फिर नंबर टाइप आ सकते हैं या फिर इसके अंदर पैटर्न भी आ सकते हैं। मेनू ड्रिवन क्या होता है यार? मेनू ड्रिवन होता है कि यार एक प्रोग्राम के अंदर दो क्वेश्चन, ठीक है? एक होगा तुम्हारे पैलिंड्रम, दूसरा तुम्हारा प्राइम, ऐसा हो सकता है। एक होगा तुम्हारा नियॉन, दूसरा तुम्हारा पैटर्न, लाइक तुमको केस देके करनी है इसको, ठीक है यार? केस वन तो दिस वन, केस टू तो दिस वन, ठीक है यार? समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है? ये मेन बात है। अच्छा ये भी काफी ईजी होता है, कुछ हर्ड नहीं होता है, ठीक है? इसका पी क्यू वाइज एक बार चेकआउट करो, तुमको मिल जाएगा, ठीक है? तो हम तीन प्रोग्राम तो इजीली यार कंक्लूड कर लिया, फिर कंप्लीट कर लिया, अलोंग विद अवर सिंटैक्स, अलोंग विद अवर कमेंट्स एंड अलोंग विद अवर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। यार सबका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन करना अनिवार्य है या फिर मैंडेटरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ठीक है। अच्छा तो भैया चौथा प्रोग्राम कौन सा पकड़ेंगे? अगर दो एरे आ जाता है तो मेरे हम लोग को तो चाप हो जाएगा, ठीक है? कोई चाप करने की बात नहीं है, चाहे एक एरे आए चाहे दो एरे आए, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, मेरे बात सुन लो, ठीक है? एक प्रोग्राम आएगा ही आएगा यार, जिसका बोलेंगे हम ओवरलोडिंग, ठीक है? ये ओवरलोडिंग टाइप के अंदर पैटर्न आ सकते हैं, नंबर आ सकते हैं या फिर स्ट्रिंग भी आ सकते हैं शायद, ठीक है? स्ट्रिंग भी आ सकते हैं। ये वाला अगर तुम एटलीस्ट 5 से 10 प्रोग्राम प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है यार, मैं लाइव करा दूंगा ऐप के अंदर, ठीक है, या फिर मैं चैनल के अंदर भी करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? तो तुम अच्छे से कर सकते हो, तो तुम अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि हमारे हाथ में हमको कोई चार ही करनी है, आउट ऑफ 6 वी हैव टू डू एनी 4। अच्छा भैया हम पकड़ते हैं, ठीक है? चलो हम पकड़ते हैं कि भैया तीन तो कर लिया, एक अच्छे से बना नहीं पाया, या फिर इसमें या फिर एरे हम ट्राई कर सकते हैं, या फिर एरे में हमको सर्चिंग एंड सॉर्टिंग आता है ओनली, इसमें हमको गलती हो गया, तो हमको करनी क्या है? देखो अगर तुमको लग रहा है कि भैया मेरा कोड रन नहीं करने वाला है, तो एटलीस्ट प्रोग्राम के बॉडी को लिख के छोड़ दो। मेरा बात सुनो यार, मेरे को मिला था नंबर, ठीक है यार, 95 प्लस मिला था, ठीक है? अच्छा 28 से यार 90 प्लस, समझ पा रहे हो यार क्या कर किए थे हम उस टाइम में, ठीक है? देखो यार एक बात सुनो, कोड को लिखना है, ठीक है? जितना बना सकते हो, जितना तुमको आता है उतना लिखो, कोड हम उतना लिख लिए। अच्छा सिंटैक्स अच्छे से लिखना है, सिंटैक्स भी हमने दे दिया, ठीक ठीक, कहा यार डॉट होगा, कहा यार कोलन होगा, ठीक है? अच्छा उसके बाद है कमेंट्स, ठीक है? कमेंट भी हमने लगा दिया, सिंगल अच्छे से दिया, एंड लास्ट में यार क्या क्या वेरिएबल हमने यूज किया वो भी हमें लिख देंगे, उसको भी हमको लिखना है। तो इस तरीके से हम एटलीस्ट आउट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 15, अगर टीचर देखेगा हाँ यार तुम्हारा कोड जितना अमाउंट ऑफ ठीक हुआ, ठीक है? देखो यार इसे ना पार्ट बाय पार्ट मार्क्स रहता है, ठीक है? तुम अगर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन करोगे तुमको 5 मार्क्स मिल जाएगा, तुम अगर कोड पूरा अच्छे से तुम्हारा एग्जीक्यूट करेगा तुमको 8 नंबर मिल जाएगा, अगर तुम सही से या सिंगल लाइन या फिर डबल लाइन कमेंट दिए हो तो तुमको 2 मार्क्स मिलेगा। ऐसे करके यार मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो अगर तुम्हारा कोड उतना अच्छे से रन भी नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल फिर भी तुमको 10 से 12 मार्क्स मिलने वाला है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम इस मार्क्स तक लैंड कर सकते हैं अगर हमारा प्रोग्राम सही से रन नहीं किया तो? आई यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ठीक है, तो यही है हमारा चीज। तो आशा करता हूँ वीडियो के अंदर जो भी हमने बात तुमको डिलीवर किया तुमको समझ में आया। वन शॉट के लिए आ जाना चैनल के अंदर, अगर नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड कोर्स के अंदर यार 50 पैटर्न्स और लूप टाइप टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है? 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, डाउट क्लियरिंग सेशंस 2 हम लेने वाले हैं, जो भी तुम्हारा डाउट्स होगा हम ऐप के अंदर बैठ के तुम्हारा डाउट को सॉल्व करने वाले होंगे। एम आई राइट? ठीक है, लिंक ऑफ द ऐप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। जो लोग बोल रहे थे भैया फ्री कर दो यार, देखो ऐप का चलाने के लिए एक चार्ज होता है, ठीक है? चलो मैं तो फ्री कर दूंगा, बट ऐप को चलाने के लिए एक चार्ज होता है, तो मेरे को वो पे करनी है ना यार, मेरे को तो पे करनी है। आई गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, और नहीं तो यूट्यूब के अंदर आ जाओ, हम जितना सारा हो सके उतना नंबर टाइप करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है? मेरे को सिर्फ नेट आने दो यार, इंटरनेट आने दो, इतना बात है। अच्छा और एक बात है, लास्ट टेस्ट सीरीज एक बार देखे जाना, जाने से पहले यार जो लोग लिख रहे थे ना भैया घर वाले पैसा नहीं देते, यार घर वाले को दिखा ना वीडियो कि भैया क्या बनाते हैं, भैया कहाँ पढ़ा, भैया अनअकैडमी में पढ़ाया था, ठीक है? अभी यार तुम्हारे इधर पढ़ा रहे, ठीक है? भैया खुद स्वयं हमने बीटेक कर रहे हैं यार फाइनल ईयर में, ठीक है यार? ऐसा कोई नहीं है कि नहीं नॉर्मली बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये करना, एंड एटलीस्ट ये वाला टेस्ट सीरीज को देखे ते हुए जाना। आई होप सो कि यार तुम्हारे घर वाले मान जाएगा, बिकॉज अगर वो लोग भी वीडियो को देखेगा एंड सबको नंबर मिल रहा है तो ऑब्वियसली व्हाई वुड दे नॉट, ठीक है? सो गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।